बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में आज हम उर्दू गज़ल के तहत मीर तकी मीर की गज़लों का मुताला करेंगे, जिसमें सबसे पहली गज़ल जो मीर तकी मीर ने इसमें कही है, जो आपके कोर्स में शामिल है, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। देखिए, मीर तकी मीर, जिन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है, शहंशाह मुतग़ज़लीन का लक़ब भी आपको दिया गया है, मीर तकी मीर उर्दू गज़ल के बिलाशुबा बड़े मोतबर और मुसलिब-उस-सुबूत असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। दबिस्तान दिल्ली के वो नुमाया शायरों में हैं जिनके बग़ैर दबिस्तान दिल्ली क्या उर्दू शायरी का तसव्वुर भी मुहाल है। मीर तकी मीर उर्दू गज़ल के बड़े शायरों में हैं, शोराय मुतकद्दिमीन में आपका शुमार होता है। मीर ने जितनी भी शायरी की है, ख़ास तौर से उनकी गज़ल को ही का हम जिक्र करते हैं, गज़लों में खुसूसन उन्होंने बहुत नाम कमाया है। गज़लें उनकी हकीकत पसंदी पर मबनी हैं, जो हालात उन पर गुज़रे, उनकी ज़िंदगी पर आए, उसी आप बीती को उन्होंने जग बीती है अपने कलाम में बनाकर पेश किया है। मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन कहा गया, इससे पहले भी और उनके बाद के भी शोरा ने उनके मर्तबे को तस्लीम किया है, माना है। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, जो उर्दू के मशहूर तरीन शायरों में शुमार होते हैं, ख़ुद मीर के बारे में कहते हैं कि रियख्ता कि तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यानी तुम ही रियख्ता, यानी उर्दू ज़बान के अच्छे उस्तादों में नहीं हो, बल्कि उससे पहले मीर तकी मीर भी अपने कलाम के जौहर इस गज़ल में पेश कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। उनके मर्तबे को गालिब ने इस तरह तस्लीम किया है। इसी तरह मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक ने, बहुत मशहूर कसीदा निगार भी हैं और अच्छी गज़लें भी उन्होंने कही हैं, और जो बहादुर शाह ज़फ़र के पहले उस्ताद भी रहे हैं, उन्होंने मीर की मर्तबे को तस्लीम करते हुए कहा है कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। इसी तरह इनके मरातिब को लेकर हम और आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहरहाल ये कहना दुरुस्त है कि मीर तकी मीर के बग़ैर उर्दू गज़ल का तसव्वुर मुहाल है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पहली गज़ल आपके कोर्स में जो शामिल है, उसका पहला शेर है, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। तो देखिए, मीर तकी मीर ने यह शेर हमदिया शेर कहा है। देखो, गज़ल की एक बड़ी खूबी यह है कि उसके अंदर तनवो पाया जाता है, रंगारंगी पाई जाती है, मुख्तलिफ़ नौ अशार उसमें पेश किए जाते हैं। हर शेर हर अपने आप में जुदागाना हैसियत रखता है, एक अलग यूनिट की हैसियत रखता है, और जिसके हर शेर का मतलब अलहदा अलहदा हो सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो शायर ने इस शेर में रब तबारक व ताला की हमद व सना बयान की है, खुदा ताला की तारीफ बयान करते हुए शायर कहता है, मुस्तार कहते हैं कर्ज लेने को, उधार लेने को, हुस्न यानी अल्लाह के हुस्न से, अल्लाह जमील व युहब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो यहाँ कहता है शायर के, था मुस्तार हुस्न से जो उसके नूर था, शायर कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला का नूर इतना बेकरां है, इस कदर फैला हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि उसके हुस्न के नूर की कोई इंतहा नहीं, बिल्कुल लामतनाही है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। शायर कहता है उसके नूर से मांगे हुए ज़र्रे बराबर नूर खुर्शीद के अंदर दाखिल हुआ, खुर्शीद में आया, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, सूरज में आया, आफ्ताब में आया, तो वो इतना दरख्शिंदा, इतना चमकदार हुआ कि उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। और जब वो निकलता है तो पूरी दुनिया को दिन बना देता है, रोज़ रोशन बना देता है और ताबनाक बना देता है।
जब एक जर्रे के बराबर मांगा हुआ नूर खुर्शीद के अंदर जब उसका नूर आया तो उसने आफ्ताब में ऐसी रोशनी की कि वो रात को अंधेरी रात को भी दिन मुनव्वर बना देता है, मुनव्वर दिन बना देता है। तो वो कह रहा है कि जर्रे बराबर जब नूर रब तबारक व तआला का जब खुर्शीद में आया तो उसकी वजह से पूरी दुनिया रोशन हो गई, और वो ज़र्रा जो है ज़र्रे बराबर नूर ऐसा ज़हूर में आया तो खुदा के नूर की क्या इंतहा होगी। इसमें सनत मुबालगा भी है जिसमें शाहिद ने बड़ा चढ़ा कर बात की है, और रब तबारक व तआला की हमद व सना में जितनी बड़ाई की जाए, जितनी उसकी खूबियाँ बयान किए जाए, जितनी उसकी किबियाई बयान की जाए वो कम है, जितना मुबालगा किया जाए वो कम है। इस शेर में शायर ने अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना की है, उसकी तारीफ की है, उसके हुस्न की तारीफ की है। दूसरा शेर है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अब देखिए इसमें भी जो सूफियाना शेर है, इसमें सूफियाना शेर उस शेर को कहते हैं जिसमें रब तबारक व तआला से मोहब्बत का इजहार किया जाए, या अल्लाह तबारक व तआला की याद या उसके इश्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जज्बात का इजहार किया जाए, वो तसव्वुफाना शेर कहलाते हैं। तो इसमें सूफियाना शेर यह है कि पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, यानी मैं दुनिया में आकर खुदा ताला को ढूंढ रहा था, उसको तलाश कर रहा था, जा बजा कहीं मस्जिदों में जाकर देखता था, कहीं काबे में जाकर देखता था, लेकिन खुदा मुझे नज़र नहीं आता था। तो शायर का ये कहना कि जब मैंने अपने आप की शनाख्त की, अपने आप को पहचाना, खुद ही को पहचाना, यानी अपने आप को पहचाना, तो मुझे पता लगा कि खुदा मेरे अंदर ही मौजूद था, मैं बिला वजह जो है दुनिया की अलग अलग जगहों में उसको तलाश कर रहा था। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, यानी उससे उसको ढूंढने के लिए दुनिया की अलग अलग खानकाहों में, बारगाहों में जा रहा था, इबादत गाहों में जा रहा था, लेकिन खुदा मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था। पता ये लगा कि खुदा मेरे अंदर ही मौजूद था जब मैंने उसको हकीकी नज़र से देखा, दिल की नज़र से देखा, तसव्वुफ़ की नज़र से देखा, तो मुझे पता चला कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ, बल्कि खुदा तो मेरे अंदर ही है। तीसरा शेर है कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ये कलीब, यक शोला बरक खिम ने सद को है दूर था। आतिश कहते हैं आग, आग और बुलंद माने ऊंचा होना, आग का बुलंदी पर होना, ऊंचाई पर होना, तेज़ आँच का जलना। दिल की न थी वरना ये कलीब, कलीब इससे मुखातिब है कलीमुल्लाह, यानी अल्लाह से कलाम करने वाले, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इस शेर में इशारा किया गया है। जिस शेर में कोई तलमियाती इशारा होता है, यानी किसी मशहूर किस्से, हदीस या वाक़े की तरफ जब शेर में इशारा किया जाता है तो उसको हम सनत तलमी कहते हैं। ते लाम मीम ये और बड़ी है, तलमी तलमी कहते हैं। तो इसमें तलमी किस बात की है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस वाक़े की तरफ इशारा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला से, अल्लाह ने उनको वो खसूसियत दी कि वो अल्लाह से हम कलाम होते थे, बात करते थे, लेकिन एक अरसा दराज तक जब आप गुफ्तगू करते थे तो आपको ये इश्तियाक हुआ, ये शौक़ हुआ कि मैं भी अल्लाह ताला के जलवों से सरफराज हूँ, अल्लाह ताला को देखूँ, अल्लाह ताला के जलवों को देखूँ, अल्लाह को रूबरू पाऊँ, ये आपकी ये शौक़ था आपका। तो आपने अल्लाह से ज़िद की, दुआ की, अल्लाह ताला मैं आपके जलवों से बारियाबी चाहता हूँ, आपको जलवों को देखना चाहता हूँ। तो रब तबारक व तआला ने आपको मना फरमाया और ये कहा कि मूसा आप हमारे जलवों की ताप ना ला सकोगे, इसलिए आप रहने दो, इस ज़िद को छोड़ दो। लेकिन आप सिर हुए, बहुत ज़िद की, बिलाखिर आपने अल्लाह ताला ने जो है आपकी दुआ को कबूल फरमाया और ये तय किया कि आपको है तूर पहाड़ पर चले जाना, वहाँ आपको हम अपना अपना जलवा दिखा देंगे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपनी तजल्ली कराई, एक मामूली सा नूरी रब तबारक ताला ने अपने जलवे को दिखाया तो वो पूरा कोहे तूर पहाड़ जलकर राख हो गया और आप गश खाकर गिर गए। लेकिन देखिए कि उसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कि शायर कहता है कि हमारे दिल की आग, वो अपने इश्क की मोहब्बत को
मुबालगाना अंदाज के अंदर बयान करते हुए शायर कह रहा है कि हमारे इश्क की आग जो अपने महबूब की मोहब्बत में जुदाई की वजह से जो जल रही थी वो आग इतनी बड़ी हुई थी कि ए मूसा वरना एक अली ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर वो एक शोला भी हमारे दिल से निकल जाता, उस आग का एक शोला भी हमारे दिल से अगर निकल जाए या निकल जाता तो वो 100 कोहे तूर पहाड़ के खिरमनों को जला कर राख कर देता। ये सनत मुबालगा जो है शायर ने इसमें बयान करते हुए अपनी दिली कैफियत का इजहार किया है कि मेरे दिल के अंदर जो आग जल रही है उसकी इंतहा क्या होगी, इस बात को एक पैमाना कायम करते हुए शायर ने ये तलमियाती इशारे से इस्तिफादा किया है, फ़ायदा उठाया है। ये 3 शेर आपको हमने इस गज़ल के तहत पढ़ा है, आगे के अशार दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें कुछ अगर आपको पूछना करना है तो आप इसमें हमसे ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं।